श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्णों को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, तदंतर उनके वक्षस्थल से रजह प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों में ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमह प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सतम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः भगवान ब्रह्मा जी के मुख वक्षस्थल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुनि, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सतम, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलों उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उनका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद रास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि को में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनवाए। इस प्रकार शीतोष्णों आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन, ये 17 ग्रामय औषधियों की जातियां हैं। ग्रामय और वन्य दोनों प्रकार के मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं, धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुलथी। ये 8 तथा शामाक अर्थात समा,
निबार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट अर्थात मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है, इसीलिए यह लोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिल मति, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उधर्वरेता मुनि हैं, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असी पत्रवन, घोर कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 6 अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।